मैं TIGPS घुसकोरा की हिंदी विभाग की शिक्षिका हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे TIGPS परिवार की तरफ से कुछ विषय दिए गए हैं, जैसे अधिक से अधिक वृक्षारोपण, वृक्षों की निरंतर कटाई पर रोक, पुनरावृत्ति, प्रदूषण पर नियंत्रण, हमारे चारों तरफ के पर्यावरण को या वातावरण को स्वच्छ रखना इत्यादि। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, क्योंकि हम जितनी तेजी से उन्नति कर रहे हैं, हम उतनी ही तेजी से ये भूलते जा रहे हैं कि पर्यावरण और मनुष्य एक दूसरे पर ही निर्भर है। इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, अतः इनका संरक्षण अति आवश्यक है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर TIGPS घुसकोरा उपरोक्त विषयों में से पुनरावृत्ति इस विषय पर चर्चा करेगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सर्वप्रथम मैं हमें यह मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। पुनरावृत्ति अर्थात पुनः उपयोग में लाना या पुनः उपयोग करना, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह एक तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने, प्रदूषण को कम करने तथा हमारे परिवेश के रक्षा में भी यह बहुत सहायता करता है। हमारे घरों में ही ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम एक बार उपयोग करके इन्हें क्या करते हैं, कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, एक तो हमारा कचरा बढ़ता है, दूसरा यह प्रदूषण को भी बढ़ावा देता है। लेकिन हम इन्हीं वस्तुओं को पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे ऐसी ही कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कागज, कांच, प्लास्टिक, फिर अंडों के छिलके, सब्जियों के छिलके, बादाम के छिलके, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम दोबारा उपयोग करके इनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। इनसे हम बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, बहुत उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ चीज़ें बनाई है, जैसे ये आइसक्रीम स्टिक से मैंने ये पेन होल्डर बनाई है। ये आइसक्रीम स्टिक और कागज से बनी हुई है, यह हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है। हमारे घरों में जो न्यूज़पेपर आता है, इन न्यूज़पेपर से मैंने इस प्रकार की फोटो फ्रेम बनाई है। मैंने यह दूसरी फोटो फ्रेम बनाई है, इस प्रकार की दूसरी फोटो फ्रेम बनाई है मैंने, यह न्यूज़पेपर से ही बना हुआ है। मैंने प्लास्टिक की बोतल, जो प्लास्टिक की बोतल है, उसको पुनरावृत्ति करके मैंने यह सुंदर सा गुलदस्ता और अंडों के छिलके, इसको इससे मैंने यह फूल और ये कागज से मैंने ये पत्ते और डालियाँ बनाई है। यह भी देखने में बहुत सुंदर लगती है। साथ ही मैंने यह अंडों के छिलकों से मैंने ये एक गुलदस्ता बनाया है। हमारे TIGPS घुसकोरा स्कूल की छात्र छात्राएं इस विषय पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मैं अनुरोध करती हूँ कि उन्हें मौका दिया जाए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम इप्सिता मंडल फ्रॉम टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल घुसकोरा। आई रीड इन क्लास 3। वी नो एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर, सो टुडे इज एनवायरमेंट डे। On this day, I want to give a message to everyone. That is, we should love our environment and we should be proud of it. There are many ways to show our love for environment. For example, we should always keep our surrounding neat and clean. We should not waste water. We should plant more and more trees. Today I am presenting myself as a newspaper and requesting you to use and read me, because now people avoid me for mobile and internet.
am feeling very sorry for that. Do you know about my helpfulness? You can make many things with me, just like paper bag. Because these are easy to recycle. Papers are biodegradable. Recycling paper helps to reduce greenhouse gases. That means we are very useful for our environment. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Ayush Mondal. I read in class 5 from Techno India Group Public School. Today is 5th June. That means today is World Environment Day. On this day, I would like to share my views about the necessity of recycling. Recycling is the process of converting waste material into new material. It is a very important process to keep our environment pollution free. It also helps to save energy, reduce greenhouse gas emissions, etc. We are polluting our environment day by day. As a result, we suffer from global warming. It is very important to bring the thought of recycling among human beings. We can start this process with our daily household waste. It is our responsibility to be aware of recycling and recycle the products to save our planet and prevent it from polluting. Thank you. I am Alisa Simran from Techno India Group Public School. Buskara, I read in class 4. Today is World Environment Day. On this day, I want to say something about the benefit of reuse of waste items. Reuse is the act of taking old items which you want to throw, but you find a way to use them. Waste cause pollution on land, water and air. Proper management of waste is important to reduce pollution. We know that if our environment is less polluted, then our health will be better. Waste management can also help to reuse such as paper, cloth, jute, etc. Now I would like to show you what I have done with newspaper and egg cover. I am Shomadrita Thakur. I read in class 3 in Techno India Group Public School, Bushkara. Today I want to tell something about World Environment Day. World Environment Day comes on 5th June every year. The whole world
has been celebrating it since 1974. This day focuses on environmental degradation to spread awareness towards protecting and conserving it. This day focuses on population, deforestation, overpopulation, global warming, etc. World Environment Day is People's Day for doing something to protect environment, such as plant some trees, clean our surrounding, use recyclable products. We should use cycle instead of using cars. Stop the use of plastic. So the World Environment Day is celebrated to increase the awareness among the people to save their own environment. So don't pollute your environment, secure your future. Thank you. Today is World Environment Day. I am going to show you how to make a paper windmill. At first, I take an old waste art paper, a stick and a pin.
Paper windmill. When air blows, the windmill moves. Using this technology, electricity is produced with the help of windmill and dynamos. In this way, we can reduce pollution in the environment. Goodbye.
protective figure. Hi friends, now I am showing how to make this wall poster by using this type of cutting newspaper, and my grandma is helping me. I already draw this design of cardboard on the board. At first I use the gum. দাও কথা লাগে আচ্ছা তুমি এর মধ্যে পেপার গুলো ছড়িয়ে দাও এটার উপরে লু শুকিয়ে যাবে কিন্তু চলো Now I am spreading cutting newspaper all over the design. Place it to stick it. Then I press it to stick it. তুমি হাত দিয়ে দাও দেখিয়ে
ছেড়ে দাও, যত ঝাঁকি বল না। মাই ওয়াল পোস্টার ইজ রেডি। আই অ্যাম অলরেডি মেক দিস ওয়াল পোস্টার।
My name is Dibyanka Dole. My school name is Techno India Group Public School. My reading. I read in class 2. ওই দিকে তাকা রেখে দে without trees, so we must grow more trees.